उर्फी बहू का ढिंचक डांस। उर्फी एक खुले विचारों वाली ढिंचक लड़की थी। उसे बचपन से ही नाचने गाने का बड़ा शौक था, लेकिन घर वालों की गरीबी और मजबूरी के कारण घर वालों ने कभी भी उसे नाचने नहीं दिया और उसकी शादी जल्दी करवा दी। वहीं ससुराल में उर्फी बड़े ही मजे से रह रही थी। यहाँ सब कुछ सही है, मुझे लगता है मेरा सपना जो मैं शादी के पहले पूरा नहीं कर सकी, अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। इसके बाद उर्फी घर का सारा काम करके फ्री होकर छोटी सी ड्रेस पहनकर कमरा बंद करके डांस करने लगती है। उर्फी अकेली चिकनी चमेली पौआ चढ़ा कर आई, जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी हथेली पर जलते अंगार ले लूंगी मैं। आई उर्फी अकेली चिकनी चमेली पौआ चढ़ा के आई। बेशरम बेहया, ये सब क्या है? अरे तू चिंदी लपेट कर कितनी बेशरम होकर नाच रही है बहू, तुझे शर्म है कि नहीं? खानदान की नाक कटानी है क्या? शरीफ घर की बहू बेटियां यूं इस तरह नहीं नाचती हैं। फिर कैसे नाचती है माँ जी? ऐसे मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे ये पकड़े है भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, मैं बची राम जी की कृपा से। अरे बेशरम, इतना अभद्र कपड़े पहनकर कम से कम राम जी का तो नाम मत ले, जा कपड़े बदल कर आ। बट माँ जी, मैं इन कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। इससे अच्छा ये भी मत पहन। क्या माँ, कैसी बात करती हो? भाभी ने जितने कपड़े पहने हैं ना, वो ना के बराबर ही तो हैं। भाभी कम पड़े ना तो स्टोर रूम में चिंदी पड़ी है, लपेट लेना उसे। ठीक है नंजी, तुझे तो मैं बताती हूँ नकचड़ी बंदरिया। इसके बाद उर्फी स्टोर रूम में चिंदी ला के उसके कपड़े बनाकर पहन लेती है। तभी पति वहाँ पे आ जाता है। ओए सोनी कितनी सोनी तू लग दी वे, हाय मेरे साथ ये जोड़ी तेरी जच दी वे। तो आपके लिए भी कुछ सिल दूं क्या जी? नहीं नहीं मेरी जान, तुम रहने दो, मेरे पास कपड़े हैं। मैं तो यूं ही तुम्हें इस हॉट ड्रेस में देखकर रोमांटिक हो गया था। मैं तो मजाक कर रही थी जी। ऐसे ही एक शाम, माँ मोहल्ले में डांस कॉम्पिटिशन है, मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्टिसिपेट कर लूँ। ठीक है बेटा। माँ जी, मुझे बचपन से ही नाचने गाने में बहुत रुचि रही है, क्या मैं भी भाग ले लूं? बिल्कुल नहीं। सास की ये बात सुनकर उर्फी को बहुत गुस्सा आता है। अब तो मैं जरूर भाग लूंगी और फर्स्ट प्राइज लाऊंगी। इसके बाद उर्फी भी डांस प्रतियोगिता में भाग ले लेती है। वही प्रतियोगिता वाले थे। अरे ये जो मेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। देख लो माँ जी, स्टेज पर नाचने नहीं गुल छर्रे उड़ाने गई है आपकी बेटी। तू तो चुपी रहे, आज देखना मेरी बेटी ही जीतेगी। इसके बाद उर्फी स्टेज पर जाती है। इन्होंने कब नाम दे दिया? पता नहीं, लेकिन बेटी तू चिंता ना कर, तू ही जीतेगी। आ जाना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आए जवानी सर पर मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम। आ जाना चूल्हे मेरी चुनरी सनम, कुछ ना बोलूं तुझे मेरी कसम। वही उर्फी की धमाकेदार परफॉर्मेंस और उसकी बेमिसाल ड्रेसिंग को देखकर सब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और उर्फी कंपटीशन जीत जाती है। देखा, कहा था ना मैं ही जीतूंगी। वही अब उर्फी स्टेज शो, रोड शो, हर तरह से डांस करके देश भर में अपने डांस का जलवा बिखेरने लगती है। उर्फी उर्फी की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। सच में ये बेशरम बहू तो अब हाथ से निकल ही चुकी है। और इस तरह उर्फी हर जगह छोटे छोटे कपड़े पहन कर नाचती है, लेकिन सास नंद पति उसका कुछ भी नहीं कर पाते।